हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो। और वैसे इंटरेस्टिंग इसलिए होने वाली क्योंकि मेरा फर्स्ट प्रैंक होने वाला है और प्रैंक किस पे होने वाले मेरी, मतलब जिसको मैं अपना कज़न भी मानती हूँ, उसको अपनी सिस्टर भी मानती हूँ और उसको मैं स्पेशली एक चीज़ तो ज़रूर मानती हूँ और वो मैं अपनी सबसे प्यारी सी कज़न भी नहीं उसको मानती, मैं सिस्टर तक नहीं मानती उसको, मैं अपना ही जिगड़ का एक टुकड़ा समझती हूँ। ये कितनी क्यूट है। अच्छा, आयशा को मैं प्रैंक करने वाली हूँ, उसको मैं ऐसे कहूँगी कि मैं आई मी हूँ पिंडी, हालांकि घर हूँ, जैसा करूँगी तो देखना। बस मैं ज़रा कॉल में ला लूँ उसको, फिर स्पीकर ऑन करके सुनाऊँगी, अगर वो उठा ले वरना बेइज्जती हो जाएगी, किसी और को कर लेंगे, किसी और को प्रैंक कर लेंगे उसका। मामी के नंबर पे करने वाली हूँ क्योंकि आयशा का जो ओरिजिनल नंबर है व्हाट्सएप पे वो इतनी ऑनलाइन नहीं होती। तो ओके, पहले मामी को हम बताएंगे, थोड़ा मजा आएगा। चलो अकाउंट में बैलेंस ही नहीं मम्मा। मुझे ही ब्रेक हो गया। व्हाट्सएप पे करके देख लेते, व्हाट्सएप पे कर लेके देख लेते, सबर करो। मम्मा तो मोबाइल के लिए कह रही है, मोबाइल से दूर नहीं रह सकती, बस इसी चीज से भी रख लो मोबाइल से। बैलेंस भरो यार वो। अच्छा, किसी और को करके देख लेते, जिस टाइम ऑनलाइन है उसी को कॉल करते। आयशा को नहीं कर सकती मेरे जिगर के टुकड़े को। तो भी देखते हैं, फिर नंबर ढूंढ के फिर मिलती हूँ। गाइस, आयशा का रिंगिंग पे जा रहा है तो मेरी कज़न सही से नहीं दिखाऊंगी, तो उसका रिंगिंग पे जा रहा है, डोंट नो वो उठाएगी या नहीं। अलग अलग उठा ले मेरी जिगर की टुकड़ी। पहले मैंने मामी के नंबर पे कॉल की थी, समझे? डाले ना मैडम, मैडम उठा। हाँ, पिक्चर नहीं दिखानी उसने कहा था, वो कहते हैं वीडियो भेजे कर लो लेकिन पिक्चर नहीं दिखाई हो। आशी उठा लो, रिंगिंग भी जा रही, उठाई नहीं थी, बेस्ती हो रही है मेरी उल्टा। ट्राई करती रहूंगी, क्या पता उठा। मैडम उठा लें आप, चलो किसी और को ट्राई करते हैं। गाइस, सुबह बाजी। हेलो सुबह बाजी, कैसी हैं आप? हेलो, मैं ठीक हूँ अल्लाह का शुक्र, आप सुनाओ। आपके लिए एक सरप्राइज है। वो क्या? आपके लिए एक सरप्राइज है, मम्मा ने आपको काफी दिनों से नहीं बताया वो चीज। हम लोग ट्रेन में बैठे हैं इस टाइम। बस कर दो, कहाँ जा रहे हो? हम लोग एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे आपको जाके बहुत खुशी होगी। अच्छा, तभी मेरी ट्रेन कितनी ऊंची आवाज आ रही है पीछे से। हाँ ना, आवाज नहीं आ रही हम लोग। हेलो। हाँ हाँ, मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, ट्रेन की आवाज आ रही है। समझ रही, मैं इतनी खुश हूँ, कंट्रोल ही नहीं हो रही खुशी। क्यों नहीं कंट्रोल हो रही, निकाल ना देना। मैं आपके पास आ रही हूँ और दूसरी बात मैं ना, तो मैं आपसे तो स्पेशली मिलने आ रही हूँ, आपसे स्पेशली मिलने आ रही हूँ, आपसे मिलने आ रही हूँ, फिर मैं आप मैं कोमल की बहन से भी मिलूंगी। अच्छा ठीक है, मिलना। तो हम लोग ना मुझे ना कब से कुमार से मिलने का दिल चाह रहा था। मम्मा, हम लोग कल से ट्रेन में बैठे हुए और मतलब क्या? हाँ, क्या कह रही हो? हम कल से ट्रेन में बैठे हुए हैं, मम्मा से पूछ लो मम्मा हम कहाँ पे हैं, पूछने वाले हैं बस। सब आमना कह रही है, मैं आमना की मुझे आवाज नहीं आ रही, ट्रेन कितनी ज्यादा आवाज है ना, आमना की आवाज नहीं आ रही। मम्मा भी कह रही है कि हम पहुंचने वाले हैं। बस बस पहुंचो पहुंचो, मैं इंतजार कर रही हूं, मैं भी दरवाजे पे खड़ी हूं, जल्दी पहुंचो। आप ऐसे नॉन सीरियस क्यों हो रही हैं सुबह जी, हम सच में आ रहे हैं। मैं नॉन सीरियस की दरों, मैं सीरियस हो गई। मैं सीरियस हूं। मुझे आज हर तरफ से ही खबरें मिल रही हैं क्योंकि
यार सौ जी आपको पता है कराची में सिलसिला आ रहा है तो ना मम्मा को डर लग रहा है, तो मम्मा कह रही है कि हम लोग ना सुबह से मिलने चले जाते हैं, उसके बाद हमने रावलपिंडी भी शिफ्ट होना है हमेशा के लिए, नहीं अभी नहीं कोयटा से हम जाएंगे रावलपिंडी। तो ये तो बेहतरीन हो गया, भागने वाली कहो। ट्रेन की किधर पहुंची है तुम्हारी ट्रेन? अभी हमारी मामा कहाँ पहुंची ट्रेन? बस थोड़ी दूर रह गई है। मामा कह रही है बस थोड़ी दूर रह गई है। मामा से बात कराओ मेरी। ये ले करें। तो अपना ट्रेन खत्म कर हो गया ना खत्म। चलो बता दो। अरे यार ये तो चीटिंग थी मम्मा। आपने क्यों बताया? उनको क्यों बताया? क्या कह रही हूँ? लेकिन अच्छा आवाज हो चुकी है प्रैंक। अच्छा और अब तो मैं डर चुकी हूँ प्रॉपरली कि मम्मा ने मेरा प्लान सारा खराब कर दिया यार। तो गाइस आवाज याद हो चुका है प्रैंक, और अभी हमसे पूछते हैं कि उनको क्या फीलिंग आई थी, सच में उनको ट्रेन वाली फीलिंग आई भी थी या नहीं। तो सवा जी आपको क्या लगा कि सच में ट्रेन में बैठी हुई हूँ क्या? नहीं अमर ट्रेन की आवाज आती है, मैं बार बार यही ट्रेन मतलब बैठा हूँ तो ट्रेन की आवाज आती है। तो मतलब आपको क्या फील आ रही थी? मुझे ट्रेन की फील आ रही थी, मेरे से तुम सच बोल रही हो। और आपको एक बात बताऊँ तो ये प्रैंक हुआ आपके साथ यूट्यूब पे। बस ठीक हो गया। कैमरा बंद करें। कैमरा बंद नहीं कर सकती, लेकिन आपको ये मैं वीडियो के लिंक भेजूंगी अपने नंबर से, आप देख लेना। ठीक हो गया। ओके आप मम्मा से बात करो जब तक। तो वीडियो अच्छी लगी तो गाइस आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट बोल दो सब। बोल दो। ठीक है लाइक शेयर सब्सक्राइब हो गया। तो यस आप भी कर दो। ये बात करें आप मम्मा। अच्छा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कर देना आप लोग, और वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कर देना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब टू माय चैनल, और जल्दी से 1K सब्सक्राइबर्स करो ताकि न्यू सॉन्ग रिलीज हो गया। तो किस चीज़ का वेट है, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।